हमें रिश्तेदारों ने कहा कि आप इसमें नुकसान करेंगे, हमें दोस्तों ने कहा आप नुकसान करेंगे, हमें वालिदैन ने कहा आप नुकसान करेंगे। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। तू कब दे? हेलो जुंज के साथ आई। इस सारी जदोजहद के बाद हमें मालूम हुआ कि पैसे के बगैर कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। फिर हमने सोचा कि कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं और बिलाखिर हम क्वेटा के वर्ल्ड फेमस एंटरप्रेन्योर के पास गए, यासिर मामा। आप ये मत कहो 15 लाख मुझे दे। आप बिजनेस के बारे में बता दो। 15 लाख से कुछ नहीं होता, कम से कम बिजनेस के लिए कितने? अच्छा बिजनेस यार, जो बिजनेस के लिए कोई 40-50 लाख रुपए की तो जरूरत होती है। यासिर मामा के आइडियाज इतने हेवी थे, इसलिए हमने उनके तमाम आइडियाज रिजेक्ट कर दिए। तो क्या किया जाए? एक ऐसा बिजनेस जो गम और खुशी दोनों में पैसे कमाए जा सके। क्यों ना गणेश गायतोंडे की तरह कचरे का बिजनेस स्टार्ट करें? क्यों ना अबू के खिलाफ कराकरी का बिजनेस शुरू करूं? लोगों को साइकिल किराए पर दे। क्यों ना एक स्पेस क्रिएट किया जाए? वो वाला स्पेस नहीं, ऐसा स्पेस जिसमें लोग बैठ सके और हम अपना काम कर सके, जिसमें रूहानी सुकून भी हो और मजा भी आए। यानी टीट्वेव की तरह कोई ऐसा स्पेस हो सकता है, लेकिन टीट्वेव का ये मसला है वहाँ पे भी पैसे का मसला है, क्योंकि वो भी डोनेशन पे चलती है। कब तक हम लोगों के पैसे पे काम करेंगे? चलो फर्ज कर लेते हैं हमने स्पेस बना भी ली, क्या बेचेंगे हम वहाँ? चाय और किताबें, कॉफी भी ऐड कर दो, समोसा साथ में, रोल यस, मगर वॉशरूम जरूर होना चाहिए। यानी बुक कैफे। ये एक कंसेप्ट है बुक कैफे, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने ऑफिस का काम कर सकें, जहाँ पे आप किताब पढ़ सकें, जहाँ पे आप अपना असाइनमेंट कर सकें, और इसके साथ साथ आपको चाय मिले, स्नैक्स मिले, एक कंस्ट्रक्टिव माहौल हो। हमारे माशरे में मिसाल के तौर पर लड्डू खेलने के लिए तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव माहौल के लिए कोई ऐसी जगह नहीं। पॉसिबिलिटी ये भी है ना कि कोई किताब पढ़ने वाली लड़की मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए और मेरी जिंदगी संवर जाए। यार मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया आज की खुशी में, कल मैंने रात का खाना भी नहीं खाया, तो अभी जो है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, यहाँ फ्री बिरयानी मिलेगी। तो यहाँ अमूमन जो पब्लिक स्पेसेस है अमूमन हमारे माशरे में वो सारे मर्दों के लिए है, तो ये स्पेस जो है वो मेल फीमेल दोनों के लिए है। लेकिन फिर आया कोरोना। कोयटा में कोरोना का पहला केस सामने आ गया। कोयटा में मुकम्मल लॉकडाउन जारी है और मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी भी सख्त की गई है, और एक दिन एक फोन कॉल पे हमें वहां से निकाल दिया गया। किस्सा खत्म। फिर हमने फैसला किया कि इसके बाद जहाँ भी बिजनेस शुरू करेंगे सबसे पहले वो सिक्योर जगह हो। सिक्योर से मुराद वो जगह हमारे हाथ में हो, इस तरह ना हो कि एक फोन कॉल पे हमें वहाँ से निकाल दिया जाए। तो हम काफ़ी देर से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम जो चीज़ बनाना चाहते हैं, जो माहौल आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो इसके ज़रिए पूरी हो। फिर हमारी मुलाकात एक NCA ग्रेजुएट से हुई जिसका नाम है यूनस। यूनस से जब मुलाकात हुई तो उसने कहा कि आप लोग मेरे साथ एक मूड बोर्ड शेयर करें कि किस तरह की जगह आप लोगों को पसंद है और चाहिए। फिर हमने एक माहिर कारपेंटर उस्ताद जाहिर से कांटेक्ट किया, क्योंकि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। और काम शुरू होते ही पैसे खत्म हो गए।
मेरी तरफ से माजरत भाई, खुदा हाफिज। और यूं वकार ने हमारा साथ छोड़ दिया। वकार साहब, अल्लाह ताला आपको रहमत फरमाए। फिर हमने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। पैसा दिखा रहा है। चंद लाख दादा में थे नहीं। राज कार शुद नहीं है सब। दोस्तों का भला हो जिन्होंने हमें पैसे दे दिए। हम बिल्कुल गालिब बन गए थे, कोई ऐसा दोस्त ना रहा जिससे हमने पैसे ना मांगे हो। और फिर पैसे लेने के बाद हमने दोबारा काम स्टार्ट कर दिया। اللهم ارزقنا ايمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا خاتم الانبياء محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى हमने अपने पहले बिजनेस का स्टार्ट कर लिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि हम इस बिजनेस को कब तक चला पाएंगे। इस सवाल का जवाब आप पर मुनहसिर है, क्वेटा वालों पे मुनहसिर है कि क्या वो हमारे इस पहले बिजनेस को कामयाब कराएंगे या नहीं। यानी क्या करेंगे? आए हमसे मिले, चाय पिए, किताबें पढ़ें और हमें करोड़पति बनाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक बामाने खुदा। असल में ये आइडिया मेरा था शुरू से लेकर बिल्कुल आखिर तक, लेकिन इन्होंने चोरी किया। अरे खुदा थी गंडवाला है ना, पूरा आइडियाज़ मारो यकीन मानिए।